उबैदुल्लाह सिंधी साहब तहरीक आज़ादी के बड़े वे रहनुमा सन और उन्होंने कोई 1915 अफगानिस्तान हिंदुस्तान तो हिजरत करके काबुल चले गए और 1915 तो लैके कोई 7 साल 1922 तक वो काबुल गए और वो गए सन एक आज़ादी के मिशन से और बाद उन्होंने ऑर्गनाइज किया तारीख के तरीके रेशमी रुमाल कहा जाता है। तो तरीके रेशमी रुमाल दे समझ लो कि एक बहुत अहम कारकुन सन, एक बहुत अहम लीडर सन और काबुल बैठ के उन्होंने मनसूबा सी कि मुख्तलिफ जड़िया हुकूमत ने जड़िया एंटी ब्रिटिश ने उन्होंने मतलब सपोर्ट लैके तो हिंदुस्तान कोई बगावत और आज़ादी की तहरीक चलाई है। उस तो बाद 1939 वापस आए और 1944 उन्होंने वफात हो गई। उन्होंने दुनिया के इनकलाबाद देखे, अफगानिस्तान ने देखा, रशिया का कम्युनिस्ट इनकलाब देखा, टर्की के कमाला का तुर्क का वो इनकलाब देखा। तो वो जी तब्दीलियाँ यूरोप आ रही सन वो सारिया देखिया, फिर उन्होंने महसूस किया, फिर यह सोचा कि मेरा दीन मेरा मजहब वो जोड़ा यह सारी सूरत हाल कितने खड़ा है और असं इन्हों कि एडजस्ट करेंगे चीज़ों। अच्छा मजे की गल है कि खुद एक सिख धर्म तो छड़ के तो मुसलमान हुए सन, कन्वर्ट हुए सन। तो लिया तो साड़ी तरह के रवायती मुसलमान नहीं सन कि भाई मुसलमान इस्लाम में जरूरी असं मनना है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस्लाम कबूल किया। फिर सारिया तब्दीलियों के नाल भी उन्होंने इस्लाम को इस तरह मतलब पेश किया कि असं यह सारिया तब्दीलियां जी दुनिया आ रही हैं इन्हों असी इन्हों चलाते हुए अपने असं दीन और उत्ते भी कायम कारबंद रह सकते हैं। सो उन्होंने सारी तालीम बुनियादी तौर पर आए कि वो इन दीन इस्लाम को एक दीन इंसानियत बना के पेश कर दीन इंसानियत के तौर पर पेश करते हैं, उन्होंने एक इनकलाबी दीन समझते हैं, वो गरीब कमजोर मजलूम की हकूक की आवाज़ की गल करते हैं और एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं जो मेरा ख्याल है कि अज दे अगर असी उस प्रोग्राम अज भी साड़ी नवी नसल या साड़ी लोग समझ लैन तो असी इस मुआशरे की ऐसी खूबसूरत तश्कील कर सकते हैं जो तमाम तर रंगा रंगियाँ तमाम तर इख्तलाफात तमाम तर कल्चरल डिफरेंसिस तमाम तर लैंग्वेज डिफरेंसिस पोलिटिकल डिफरेंसिस उन्हें सारे अकोमोडेट करता है, खूबसूरत हाल पेश करता है। ये पे वो चाहते थे कि पूरे हिंद से अंग्रेज़ के जो असरात हैं, ये जो कॉलोनीज़म यहाँ पे बना दिया गया है, इसको ख़त्म करके यहाँ के जो लोग यहाँ के अवाम हैं उनके मसाइल के हवाले से यहाँ पे सिस्टम सियासी हवाले से और माशी हवाले से कायम होना चाहिए। आज जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि हमारा नौजवान यहाँ पाकिस्तानी जो सियासी निज़ाम है, यहाँ का माशी निज़ाम है, यहाँ का माशरती निज़ाम है, यहाँ का मजहबी निज़ाम है, वो उससे मुतमिन नहीं है। ये एक हकीकत है। तो जो इस वक्त यहाँ का सिस्टम है आज तक चला आ रहा है 70 साल के अंदर, उसने नौजवान के अंदर मायूसी पैदा की है और वही गुलामी की सोच। आज तालीम हासिल करने के बाद हम नौकरी की तलाश में होते हैं। ये एक अजीब तस्वीर है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने घर के अंदर नौकर हैं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो वाबस्ता हजरात हैं वो यही चाहते हैं कि हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के फ़लसफे के मुताबिक यहाँ पे यहाँ का सियासी निज़ाम, यहाँ का मुआशी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, तालीमी निज़ाम, उसके मुताबिक यहाँ पे कायम किया जाए। उसके ज़रिए से हम यहाँ के नौजवान के मसाइल हल कर सकते हैं, यहाँ पे हम अमन कायम कर सकते हैं, यहाँ की फ़िरकावारियत को हम ख़त्म कर सकते हैं और एक बाइज्जत तरीके से हमारा नौजवान जो है वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर वो किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने ज़िंदगी दे विच बहुत सारे सबक मौजूद हैं। वो पाकिस्तान तो बाहर गए, मतलब इंडिया तो बाहर गए, उन्होंने बेशुमार मुल्कों के गए और उन्होंने आके कहा कि मैं देहरिया रूस तो लैके तो हजाज़े मुकद्दस तक गए हैं, लेकिन हर मुल्क के अपने मुफाद है ने, वो सानू अगर मदद भी करते हैं तो वो किसी होर वजह तो करते हैं, तो जो असी जोड़ा है अपनी पूरी मदद चाहते हैं तो वह नहीं करते। इस वास्ते सानू जो भी इतने काम करना है वो इतने के लोगों के नाल मिलकर ही करना पड़ेगा, बाहरों सानू मदद जी है वो किसी होर तरह की मिलेगी, वो नतीजे नहीं निकलेंगे। फिर उन्होंने वैश्त का सारा सिलसिला देखा, उन्होंने उन्होंने मजहबी लोगों चो है जिन्होंने आके किया गल कि सानू जो है वैश्त तो भी सीखना चाहिए। हूँ वो मुसलसल सारी जिंदगी सीखने का एक प्रोसैस च रहे और यही अज के नौजवानों समझने की लड़ हैगी है कि उन्होंने घड़े कड़ाए फार्मूले फारक करके तो उन्होंने आप सीखने की मुहिम जी है ना, यही उन्होंने रस्ता है। मौलाना का मौलाना नाल भी तुम इख्तलाफ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आप पढ़ो और आप सीखो।